हेलो फ्रेंड्स, पुड़ी सास किचन में आपका स्वागत है। आज हम एकदम टेस्टी गाजर का हलवा बनाएंगे और विंटर में तो ये सबके घर पे बनता ही है, तो आज हम एकदम अलग तरीके से बनाएंगे और बिना चीनी के बना के तैयार करेंगे और ये जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। उस तरीके से बनाएंगे तो पहले हम 1 लीटर मिल्क को स्लो फ्लेम पे उबलने के लिए रख देंगे। तब तक हम गाजर को ग्रेट कर लेंगे। तो गाजर को हमने अच्छे से धो के क्लीन कर लिया है और उसके अभी हम छिलके निकाल देंगे। गाजर हमें एकदम फ्रेश लेनी है और एकदम लाल वाली हो वैसी सिलेक्ट करनी है गाजर। और ये हमने 1 kg जितनी गाजर ली है और उसको अच्छे से छील के अभी हम आगे और पीछे का पार्ट भी हमें कट कर लेना है इस तरह से। और अभी हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो ग्रेटर हमारा ना ही एकदम बारीक वाला होना चाहिए और ना ही मोटा, मीडियम साइज का जो ग्रेटर आता है उससे हमें सारी गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। तो सारी गाजर को हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। तो ये कद्दूकस करके हमने तैयार कर ली है। अभी हम जो दूध गर्म करने रखा था उसको चेक कर लेंगे। तो ये दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है, पर अभी हम इसको स्लो फ्लेम पे उबलने देंगे जब तक कि हम गाजर को सेक लेते हैं। तो एक मोटे तले वाली कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून जितना घी डाल देना है हमें। तो घी अच्छे से स्लो फ्लेम पे हमें गर्म कर लेना है। घी अच्छे से गर्म हो जाए तभी हम इसमें कद्दूकस की हुई हमारी गाजर वो ऐड कर देंगे। सारी सारी गाजर इसमें डाल देनी है अच्छे से और गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी हम इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक कि गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। गाजर को ज़्यादा कुक नहीं करना है हमें, क्योंकि हम जब मिल्क डालेंगे तो भी ये कुक होगी। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, गाजर अच्छे से कुक हो गई है, सॉफ्ट हो गई है थोड़ी। तो अभी हम इसमें जो हमने दूध उबलने रखा था उसकी भी फ्लेम ऑफ कर देंगे और वो दूध हमें इसमें डाल देना है। ये दूध गाढ़ा हो गया है तो अभी इसको कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए हलवे को अच्छे से कुक कर लेना है हमें। तो सारा दूध इसमें से जब तक सोक हो जाए, मतलब कि सब मावा जैसा बन जाएगा, तब तक हमें इसको कुक कर लेना है। और गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा ये हलवा, तब तक हमें कुक करना है। तो ये देखिए हलवा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो अभी हम इसमें 1/2 कप जितनी फ्रेश दूध की मलाई डाल देंगे, उससे हलवे का टेक्सचर जैसे हलवाई लोग बनाते हैं मावा डाल के उसी तरह का हो जाएगा। तो अभी हम 1/2 कप जितनी फ्रेश दूध की मलाई डाल रहे हैं। आप चाहे तो कोई भी मिल्क पाउडर डाल सकते हैं या तो फ्रेश क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या तो आप दूध के साथ भी इसको बना सकते हैं तो भी ये टेस्टी लगेगा। अभी ये अच्छे से कुक हो गया है तो अभी हमने जो ये धागे वाली मिश्री आती है उसका पाउडर बना लिया है, वो हम यूज़ कर रहे हैं चीनी की जगह पे। तो वो 1/2 कप डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और ड्राई फ्रूट डाल देंगे बारीक कट करके। आपको जो पन पसंद हो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट, एकदम बिना चीनी का और एकदम टेस्टी और हेल्दी हलवा बनके तैयार हो गया है और इसको हम सर्व कर लेंगे इस तरह से प्लेट में। तो ये हमारा एकदम टेस्टी और बिना चीनी का हलवा बनके तैयार हो गया है। इस विंटर सीजन पे आप इसको ज़रूर से बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और एकदम देखिए इसका घी भी अलग निकल आया है, हमने ज़्यादा घी इसमें यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये एकदम टेस्टी हलवा हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा एकदम टेस्टी विंटर सीजन का स्पेशल गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है और बिना चीनी का ये हलवा है, तो बहुत ही हेल्दी भी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू ऑल।